Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and here we are back again with another session for the Crash Course. And I hope that you are done with the previous session as well. If you are not done with the previous sessions, do not forget to go to the description link and the links that are here for the previous session up. Now, for today we are doing sentence improvement session 3. We are already done with two sessions for sentence improvement. Those who haven't done those sessions, they can go and see the description link or the link that are visible here. Now, let's begin with today's session and the first concept for today. The concept is of noun numeral. The errors or the improvement parts are based on this particular concept in the CGL Tier 2 questions as well. So what is the concept? Let's go and check. Certain noun subjects like 100, 1000, million, billion, gross, score, etc. are plural in form and are not pluralized using S or ES when a numeral adjective is placed before them. Now, they are already plural, which means if I say 100, I cannot say 100 if, when, a numeral adjective, which means if I say 200s, that's wrong. I have to say 200. So this itself, this noun subject, ये जो noun subject होते हैं 100, 1000, million, billion, trillion, ये खुद ही plural होते हैं. अगर आप इनके साथ कोई numeral word या numeral adjective attach कर रहे हैं, तो वो कभी भी s और es नहीं लेगा. वो एरर काउंट किया जाता है और वो गलत होता है. देखिएगा कुछ एग्जांपल्स. 500 पीपल विजिटेड द फेयर इन दिल्ली सेंट्रल. सो 5 इज द न्यूमरल एडजेक्टिव और हम यहाँ लिख रहे हैं 100, तो ये एस का यूसेज गलत है. 500 पीपल विजिटेड द फेयर इन दिल्ली सेंट्रल. नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट this concept works अगर उनके पहले numeral adjective है तो. देखिए एक और example. 8 million candidates, तो 8 million candidates होगा. So 8 numeral अगर आगे लगा है तो फिर आप s और es नहीं लगा सकते. okay, अगर numeral आगे नहीं लगा है तब क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. बट अगर न्यूमरल एडजेक्टिव है तो आप इसके साथ जितने भी ये नाउन सब्जेक्ट्स हैं आप एस और ईएस अटैच नहीं कर सकते हैं. वो एरर में काउंट होता है, तो आपको वो एरर स्पॉटिंग में भी आ सकता है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी. यूजुअली ये क्वेश्चन सीजीएल टियर 2 में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देखे गए हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक. दीज नाउन्स कैन वेल बी प्लूरलाइज इन दिस पैटर्न. अभी मैंने क्या कहा आपको पीछे कि अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है तो आप उसको एस और ईएस नहीं दे सकते. बट अगर ऐसे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, तब आप एस और ईएस लगा सकते हैं. याद रखिएगा, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ 100 या मिलियन या थाउजेंड यही सब आ सकता है. अगर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो आप हंड्रेड्स, मिलियंस, बिलियंस आप कह सकते हैं आगे फर्दर सेंटेंस में जो भी हो. तो ये दोनों पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और इनको याद रखना है. सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव है तो क्या और नहीं है तो क्या. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए, dozens of women or hundreds of fish. So dozens of women participated in the NCC camp. So dozens of women. But if I say 12 dozens of women, वो गलत हो जाएगा. तब मैं क्या कहूँगी? 12 dozen of women. तो अगर नंबर आगे लगा रही हूँ तो फिर एस और ईएस नहीं लगाया जाएगा. और एग्जांपल्स देखते हैं. मिलियंस ऑफ स्माइल्स, स्कोर्स ऑफ एग्स. तो हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ स्माइल्स वर स्प्रेड
after the session. तो जब ये सेशन खत्म होगा या सेशन के चलते चलते मिलन जो स्माइल्स हैं, आप सब खुश हो रहे हैं कि आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं. स्कोर्स ऑफ एक्स भी इसी तरह से यूज होगा. अगर मैं 12 स्कोर कहती हूँ तो वो गलत होगा, 12 स्कोर्स गलत होगा, 12 स्कोर. भाई जैसे 1 dozen इज 12, 1 score इज इक्वल टू 20. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड. 7 million बर्ड्स migrated from one island to another this summer. So 7 million birds migrated from one island to another island. Numeral adjective यहाँ पर लगा हुआ है, तो क्या मैं millions लिख सकती हूँ? जी नहीं. If numeral adjective is there, तो ये s की ज़रूरत नहीं होगी हमें. So it will just be 7 millions. सेवेंथ या मिलियंस ऑफ सेवन, ये तो एनी वेज गलत होगा. ओके, सो इट विल बी 7 million बर्ड्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर दिस समर. एक और क्वेश्चन देखते हैं. स्कोर्स ऑफ एग्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विलेजर्स. स्कोर्स ऑफ एग्स, अब देखिए ये जो है ये 2018 का पैटर्न है. ओके, ये आपका 2018 के पैटर्न है सीजीएल टियर 2 का. ये 2019 का पैटर्न है, तो पैटर्न में भी डिफरेंस देख लीजिए आप. यहाँ भी डिफरेंस है, अनलाइन पार्ट है, डायरेक्शंस में भी डिफरेंस है. और अगर आप 2018 में जाएंगे तो यहाँ भी काफ़ी डिफरेंस है, देखिएगा. सो ये क्वेश्चन है स्कोर्स ऑफ एग्स. अब एस लगा तो है, बट क्या उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव है? जी नहीं. तो ये एकदम करेक्ट है, स्कोर्स ऑफ एग्स. और ऑफ के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल है, तो ये तो स्ट्रक्चर सही है. सो वी डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट, विल बी नो इम्प्रूवमेंट. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. नाउ आफ्टर दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन कोलोकेशंस. Now, firstly, we need to know what a collocation is. भाई देखो, collocation एक बहुत ही common चीज़ है English language में, but हम में से बहुत इसको बहुत बड़ा concept समझते हैं, जो कि heavy, बहुत wide है. But अगर आपके exam के perspective से बात करूँ, मैं SSC GL Tier 2 के, तो यहाँ पर कुछ sections हैं जो repeatedly पूछे जाते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. Collocation is a pair of words that we use as a set phrase. एक set phrase के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. That pair of words is a collocation. भाई जैसे for example मैंने कहा, जैसे आपने देखा होगा कोई दो वर्ड है जो हमेशा साथ में ही जाते हैं, right? साथ में, जैसे मैंने कहा, ठीक है, साथ में हिंदी में जब ये चीज़ है वैसे ही together with. ओके, या फिर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई दो वर्ड जो हमेशा साथ में जाते हैं वो है टेक अ टैक्सी, टेक एन एग्जाम. तो जब आप देखते हो कि कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें पेयर ऑफ वर्ड्स साथ में रहते हैं हमेशा, आप उनको कोलोकेशन कहोगे. बेसिकली यू कैन नॉट चेंज दैट फ्रेज, यू कैन नॉट, बिकॉज द मीनिंग विल बी डिफरेंट और इट विल बी इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट. सो उस केस में आप उनको कोलोकेशन कहते हैं, वो सेट फ्रेजेस हैं जो हमेशा से ऐसे ही इस्तेमाल होते आ रहे हैं. देखिएगा, गो होम राइट, और कम ओवर मीन्स मिलने आना या मुझे मिलने आना, मेरे घर आना. साउंड स्लीप, हैव अ साउंड स्लीप, मतलब अच्छा एक नींद लेना, एक पूरी नींद लेना, एक हेल्दी नींद लेना. So have a sound sleep, we say, right? खराटे वाली नींद लेना, खैर वो that's different. But sound sleep का मतलब गहरी नींद, अच्छे से आराम से सोना. So ये जो है ये कुछ examples हैं जो collocations हैं. अब questions are based on the use of incorrect collocations, that is incorrect word used. भाई अब जैसे मैंने कहा sound sleep, तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ soundly sleep, या मैं come over को कह सकती हूँ come ahead. So The idea is that जो meaning मुझे उस phrase को देनी है उसके जगह कुछ और मैं use कर रही हूँ, या मैं completely collocation को गलत बना रही हूँ, उस तरीके से गलत हो सकता है. देखिए मैं आपको और examples देती हूँ. Bunch of walls की जगह मैं कहूँ pack of walls,
सॉरी पैक ऑफ वॉल्स होता है, दैट्स करेक्ट. अगर मैं बंच ऑफ वॉल्स कहती हूँ तो वो गलत है, राइट, क्योंकि वॉल्स के लिए हम पैक यूज़ करते हैं. सो द पॉइंट इज दैट अ पर्टिकुलर वर्ड हैज़ बिन डिफाइंड और पर्टिकुलर फ्रेज हैज़ बिन डिफाइंड फॉर समथिंग, तो आपको उसके साथ वही यूज़ करना होगा, ना कि कुछ और. अब मैं बंच ऑफ फ्लावर्स की जगह बोलूँ पैक ऑफ फ्लावर्स, राइट, पैक ऑफ कार्ड्स की जगह मैं बोलूँ बुके ऑफ कार्ड्स, सो दैट्स रॉन्ग, राइट. सो वो कोलोकेशन फॉर्म करते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं, वी कैन नॉट चेंज देम. एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड सुसाइड इंस्टेड ऑफ कमिट सुसाइड. विद सुसाइड वी ऑलवेज यूज कमिट, बट अगर आप कहते हो ही डिड सुसाइड, दैट्स रॉन्ग. और ये कॉमनली कॉमनली स्पीकिंग में भी देखा है मैंने कि लोग सुसाइड को कहते हैं ही डिड सुसाइड. नो, ही कमिटेड सुसाइड. So the idea is that for a word, a particular word is defined and you have to use that only. Alright? जैसे for example मैंने अभी कहा exam, हम हिंदी में कहते मैंने exam दिया, तो आप क्या कहोगे, I gave an exam. That's wrong. जो हिंदी का point है वही English में वैसे जरूरी नहीं है हमेशा. It is take an exam. So I took an exam अगर past में कहना है तो. Alright? So, particular word has been defined for a particular, for another word. So, it will go together or they go hand in hand. That is collocation. और इस पर बेस किस प्रकार से एरर्स आते हैं वो देखते हैं. पहले कुछ examples. Some collocations that are commonly asked in your exam. तो मैं आपको कुछ set of pairs के examples दिखाती हूँ. At the moment. Usually हम कहते हैं in the moment, okay, at a moment or at the situation, so it's at the moment, on duty, okay, off duty, under consideration, consideration के साथ under आता है, by accident or by chance, run out of money, I have run out of money, okay, मतलब मेरे पास पैसे खत्म हो गए. Make a difference, okay, make a difference. यहाँ पर इससे verb को अलग कर देते हैं या make a different कर देते हैं तो वो चीज़ गलत हो सकती है. या make को change कर दिया, okay, give a difference. Catch sight of, यहाँ sight के बजाय sight लिख दिया, alright, या फिर catch sight of की जगह उन्होंने लिख दिया have sight of, तो वो collocation break हो जाएगी. Go bankrupt. A person goes bankrupt. Okay, the person doesn't experience bankrupt. A person experiences bankruptcy. All right. Go abroad. Okay, it is you usually कहा जाता है go to abroad. वो भी गलत है. The collocation is go abroad. Go overseas. Okay, hang on. Have a voice. मतलब अपनी एक आवाज थपकी होनी चाहिए. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट. यहाँ पर ये जो है इस पर एरर आती है. डिस्क्रिमिनेट के साथ क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट. डिस्पोज ऑफ, यूजुअली ओ डबल एफ में कंफ्यूजन होता है, विच इज रॉन्ग, डिस्पोज ऑफ. प्रिवेंट फ्रॉम, ओके. सो ये कुछ कॉमन कॉलोकेशंस हैं या फ्रेजेस हैं जो हमेशा ऐसे ही होते हैं और आप उनको चेंज नहीं कर सकते. दे गो द सेम वे दे आर. समटाइम्स कोलोकेशंस आर आस्क्ड इन फॉर्म ऑफ इडियम्स एज वेल. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट. कभी कभी कोलोकेशंस इडियम्स में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इडियम्स भी एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि वैसे ही रहते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, राइट. सो अगर इडियम के फॉर्म में पूछे जाएंगे तो उस टाइम कैसे हो जाएगा, उस समय हम जो चेंजेस कर रहे होंगे वो इस प्रकार हो जाएंगे कि इडियम में कोई आर्टिकल आ रहा है नहीं दिया या कोई वर्ड ही चेंज कर दिया है, तो वो एरर में काउंट होगा और हमें उस सेंटेंस को फिर अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करना होगा. देखते हैं एक एग्जाम्पल. हिट द बकेट इंस्टेड ऑफ किक द बकेट. भाई इडियम क्या है, किक द बकेट मतलब टू बी डेड. अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं ओ शी किक द बकेट और ही किक द बकेट. बट अगर मैं किक द बकेट की जगह कहूँ हिट द बकेट तो ये कोलोकेशन का एरर हुआ. एक और एग्जांपल देखते हैं.
feather in one's bag instead of feather in one's cap. बैग यूज कर रहे हैं हम जबकि होता कैप है, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो इस तरह से idioms के तौर पे भी आपको एरर आ सकती है और आपको थोड़ा सा क्लेवर या थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. दिस इज फ्रॉम CGL 2018 का क्वेश्चन है. लेट्स हैव अ लुक. ही इज यूजुअली प्रेजेंट इन द हाउस ऑन वेंसडे. As questions related at the Prime Minister's office are listed on this day during question hour. As questions related at the Prime Minister's office, no, related, वे कह रहे हैं कि उनसे Prime Minister के office से संबंधित जो questions हैं वो question hour में Wednesday को पूछे जाते हैं, तो वो usually house में present होते ही हैं. तो related at नहीं होता है, related टू होता है. ये फ्रॉम ऑन एट का यूज रिलेट के साथ गलत है. ही इज रिलेटेड टू और द सिचुएशन इज रिलेटेड टू द वन दैट आई एक्सपीरियंस्ड और दिस कलर इज और दिस दिस कलर इज रिलेटेड टू द एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट दैट वी वेंट टू लास्ट वीक. So relate to is the appropriate phrase instead of related at, relate from or relate on. That's wrong. Okay, the uses of from on at is incorrect with relate. It will be related to. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये भी 2018 का क्वेश्चन है. The experience so far has been that many who struggle to access jobs are discriminated about, forcing them to drop out. देखिए मैंने कहा था discriminated about यूज किया है गलत. मैंने क्या कहा था discriminate के साथ क्या लगता है against. तो discriminated against that is option A. काफी ऐसे भी वर्ड हैं जिनके साथ पर्टिकुलर एक ही प्रपोजिशन लगती है. काफ़ी ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन चेंज कर सकते हो तो उनका मीनिंग बदल जाता है. गिविन का मतलब हो गया सबमिट कर देना या कोई बात मान जाना. गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना. तो अगर आप प्रेपोजिशन बदल रहे हो तो फ्रेज गलत नहीं हो रहा बट उसकी मीनिंग चेंज हो रही है. बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट About, discriminate to, discriminate for, तो यहाँ पर phrase ही गलत है. ये इस तरह से और इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसके साथ against ही use होता है इसलिए इसको collocation या phrasal collocation आप कह सकते हो. Phrasal form में है ये. Phrasal verb है that is discriminate against. तो preposition against याद रखेंगे discriminate के साथ. आगे बढ़ते हैं. So these were the questions जो भी हमने discuss किया आपके साथ वो previous year questions for the last concept. Now we are moving on to another concept for today. That is for adverb and adjective. Alright. Now this concept when I talk about adverbs and adjective, मैंने आपको adjective का जो order है हम order of adjectives कर चुके हैं. मैं आपको adverb की usage भी पहले बता चुकी हूँ. In terms of I did just a bit of adverb, like I would say 10%. Now today I'm going to give you a gist of adverb and adjective. Usually जो errors आते हैं वो adverb और adjective की confusion पर आते हैं. मतलब जहाँ पर adverb का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ adjective मिलेगा और जहाँ adjective का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ आपको adverb मिल जाता है. Right? तो हम इस कंफ्यूजन को इसको करेक्ट करते हैं. ओके लेट्स जस्ट करेक्ट इट. मतलब हम इसको अंडरस्टैंड करके सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे या हमको पता होना चाहिए कहाँ पर एडवर्ब आएगा और कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा. देखिए एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द एक्शन इन अ सेंटेंस. बहुत ही सिंपल सी बात है. और एक्शन आपको कौन बताता है एडवर्ब. तो एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स के लिए आते हैं. ऑल्सो अदर थिंग्स एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज इन द सेंटेंस. कहने का मेरा साफ मतलब ये है. देखिए
एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एक सेंटेंस में, और एडवर्ब जो है वो सबको, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज पर सेंटेंस में. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हो तो वहाँ पर वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा एडवर्ब. अगर आप किसी प्रपोजिशन को मॉडिफाई कर सकते हो तो भी एडवर्ब एक प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है. एडवर्ब की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है. जैसे मैं कहती हूँ ओनली ही प्लेज क्रिकेट, तो अभी ओनली जो एडवर्ब है ये किसके, क्या कहने में, सिर्फ वो क्रिकेट खेलता है, तो अभी तो प्रोनाउन को कर रहा है क्वालिफाई. अगर मैं ओनली को ऐसे रख दूँ ही ओनली प्लेज क्रिकेट, तो अब ओनली किसके लिए आ गया, प्लेज के लिए, क्योंकि खेल वो सिर्फ खेलता है. ही ओनली प्लेज क्रिकेट, वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है, वो कुछ और खेलता ही नहीं है. मतलब वो, अगर आप क्रिकेट की बात करो तो वो क्रिकेट खेलता है. He plays cricket only. He plays cricket only. अब क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्रिकेट. तो यहाँ पर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ प्रोनाउन को. इसी तरह एडवर्ब सारे, इट कैन मॉडिफाई अदर थिंग्स एज वेल, लाइक एन एडजेक्टिव. देखिए एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन. एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है अगर, तो एडजेक्टिव को इस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, दे आर वेरी डेलिकेट. वेरी एडवर्ब है, डेलिकेट एडजेक्टिव है. तो वेरी अगर डेलिकेट को कर रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. सो एक एडवर्ब, मेरे कहने का मतलब है एक सेंटेंस में उसकी पोजिशन या उसके यूसेज पर निर्भर करता है कि वो किसको मॉडिफाई करेगा या कर रहा है, जबकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है. अब आपको जो एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी वो ये है, एक्शन और नाउन और प्रोनाउन. आइडियली जो काम होता है वो एडवर्ब वर्ब के लिए काम करता है और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए, मतलब सब्जेक्ट्स के लिए काम करते हैं. और इसी पर बेस एरर आती हैं, और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाते हैं. आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन. सबसे पहले, वन कॉमन मिस्टेक विद एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इज यूजिंग वन इन प्लेस ऑफ द अदर. एक को दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर दिया जाता है. वही बात है, जहाँ एडवर्ब आना चाहिए वहाँ एडजेक्टिव आ गया, जहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए वहाँ एडवर्ब. तो इस एरर को कैसे बैलेंस करना है या कैसे करेक्ट करना है वो देखते हैं. आई विश आई कुड कुक एज क्विक एज माई मदर कैन. अब यहाँ एग्जाम्पल, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए इस सेंटेंस में क्या कोई मिस्टेक है एक्चुअली. क्या यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको एरर दिख रही है, आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई मिस्टेक है या हमने कोई मिस्टेक की हुई है. आई विश आई कुड कुक एज कुक क्विक एज माई मदर कैन. यहाँ पर ये जो क्विक कंपैरिजन हो रहा है कि भाई मैं जल्दी जल्दी खाना बना सकती, तो कुक करने के लिए हो रहा है. कुक क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब. क्विक क्या है, एडजेक्टिव. मुझे क्या लिखना चाहिए, एज क्विकली एज माई मदर कैन. तो एज और एज के बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर. अब मैंने यहाँ पर अगर कहा हुआ है कि आई विश आई कुड कुक एज क्विक एज माई मदर, सो इट विल बी एज क्विकली एज माई मदर, बिकॉज यहाँ पर एक्शन वर्ड को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ. तो जहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, एडजेक्टिव. सो हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ा. आगे बढ़ते हैं, बट फर्स्ट आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन. नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड यूज should be quickly as an adverb because it is modifying a verb, cook, that's correct. ये मैंने आपको explanation जो अभी दिया है वही है, क्योंकि वो verb को modify कर रहा है.
Oh, that's real nice of him. Oh, that's real nice of him. अब एक बार बताइए, that's real nice of him. Nice adjective है. अगर real adjective को qualify करे तो क्या होगा? Really होगा ना, क्योंकि वो modify कर रहा है adjective को. Adjective को दूसरा adjective modify नहीं कर सकता. So आप don't have to use real. It will be really nice of him. दूसरा adverb इस्तेमाल होगा यहाँ पर. So इस तरह से जहाँ पर adverb आना चाहिए वहाँ adjective, जहाँ adjective वहाँ adverb, ऐसे आ सकते. हो सकता है यहाँ पर आपको पीछे already दिया होता adjective, तो आप no improvement कर देते उसमें, right? आइए देखते हैं एक कॉमन और जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स गुड वर्सेस वेल. इन दोनों में से एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव. कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है, या दोनों ही एडजेक्टिव है क्या? चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है. दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो. नाउ गुड इज एन एडजेक्टिव, तो ऑब्वियस है वेल क्या होगा? एडवर्ब होगा. गुड इज एन एडजेक्टिव, वेल इज एन एडवर्ब. अब यूसेज देखिए. गुड डिस्क्राइब्स नाउन, द बुक आई रेड इज रियली गुड. क्या गुड है? बुक, जो कि नाउन है. मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई काम किया है तो वो अच्छा है, जो बुक मैंने पढ़ी वो अच्छी है. वेल डिस्क्राइब्स वर्ब्स, आई बेक रियली वेल. बेक, दैट इज अ वर्ब. राइट, सो आई एम डूइंग वेल. आई कैन नॉट से आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग वेल. आई एम गुड इज करेक्ट, बिकॉज देखो अगर मैं कहती हूँ आई एम गुड, तब ये करेक्ट होता कि गुड इज मेरे लिए, इस सब्जेक्ट के लिए. बट अगर मैं कहती हूँ आई एम डूइंग गुड, तब मैं वर्ब को क्वालिफाई कराना चाहती हूँ. सो इंस्टेड ऑफ गुड इट विल बी वेल, आई एम डूइंग वेल. दैट्स एन एडवर्ब. All right. So I have to be aware when it comes to use of good and well, because इस पर based भी आपको errors और sentence improvement के questions पूछे जाते हैं. All right. let's go ahead. I have given you some examples. Okay, I have already done this. I'm doing good is wrong. It should be I'm doing well. Roy plays foosball good. प्लेज फूसबॉल. सो गुड नहीं क्या होगा? वेल, क्योंकि यहाँ पे प्ले करने की बात है जो कि वर्ब है, एक्शन वर्ड है. सो इट विल बी रॉय प्लेज फूसबॉल वेल. सो ये रहा हमारे एग्जाम्पल्स और ये था कॉन्सेप्ट गुड और वेल का. आगे देखते हैं हमारे पास अब और क्या है. ऑलराइट, नाउ वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यू. अब ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है. आपको मैं पैटर्न में चेंज भी दिखा चुकी हूँ. 2018 और 2019 के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस रहा है, सो बी वेयर. बट मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, तो आई गेस आप लोग उसको मैनेज कर लेंगे. सो द क्वेश्चन इज, व्हाइल टू जजेस इन द मेजोरिटी सेट द प्रैक्टिस वॉज आर्बिट्री एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, द थर्ड जज कॉल इट लीगली. ना हियर इफ यू सी इन द पॉइंट, जहाँ पर दो जजेस ने कहा कि प्रैक्टिस आर्बिट्री थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वहीं तीसरे जज ने उसको लीगली करार दिया. लीगली इज इट कॉल्ड इट, किसको? जजमेंट को, या जो प्रैक्टिस थी प्रैक्टिस को. तो इस प्रैक्टिस को, ये क्या है? हमारा नाउन सब्जेक्ट है. एक ने कहा कि आर्बिट्ररी है, एक ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो अगर दो जजेस ने कहा है, उसकी जो क्वालिटी है या उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, हम किसी एक्शन वर्ड की बात नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा है. सो इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वर्ब, देन व्हाई एम आई यूजिंग लीगली, विच इज एन एडवर्ब? इंस्टेड आई शुड ईदर से लीगल और इलीगल. इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, क्योंकि लीगल भी एडजेक्टिव है, इलीगल भी एडजेक्टिव. लीगल का मतलब जो लॉ अबाइडिंग है, इलीगल का मतलब जो लॉ को फॉलो नहीं करता,
नहीं कर रहा है वो. तो यहाँ पर अगर आई जस्ट गिव यू अजिस्ट, आई जस्ट गिव यू एन ओवर व्यू ऑफ द थिंग, देन इट गिव्स दैट इट इज लीगल और इलीगल थिंग. तो मुझे एडजेक्टिव की ज़रूरत है क्योंकि मैं अपने नाउन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करवा रही हूँ. सो व्हेन आई से दैट आई नीड एन एडजेक्टिव, तो क्विकली मैं ऑप्शन में जाऊँगी इलीगली इलीगल लीगैलिटी. तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन टू इलीगल, मतलब थर्ड जज ने उसको इलीगल कहा है, उस प्रैक्टिस को इलीगल बोला है. तो जब आप देखो सेंटेंस को, जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे लेंदी सेंटेंसेस में क्या करना चाहिए आपको, आपको अपना नाउन सब्जेक्ट आपको देखना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है, कि या तो वो एक्शन वर्ड है या फिर वो कोई नाउन या प्रोनाउन है जिसकी कोई खासियत या उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. तो देखो एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी की और खूबी को बताते हैं या मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. तो आपको चेक करना होगा कि वो किसी एक्शन वर्ड के बारे में है या वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में है, और सिंपली आप फिर अपना आंसर वहाँ लोकेट कर सकते हैं. मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है और देखते हैं. बट अंडरस्टैंडिंग वॉट कॉन्स्टिट्यूट सच अ मिराकल डाइट एंड मेकिंग श्योर दैट पेशेंट्स गेट इट इज इन एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट सीम्स. कहते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मिराकल डाइट. भाई मिराकल नाउन है, डाइट भी नाउन है. अब मैं नाउन और नाउन साथ में यूज कर सकती हूँ क्या? जी नहीं. अगर मैं नाउन और नाउन साथ में यूज़ करी तो वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. कारण क्या है इसका गलत होने का? कारण ये हो जाएगा क्योंकि अगर मैं डाइट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ तो मुझे एडजेक्टिव यूज़ करना होगा, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? एडजेक्टिव. तो मिराकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मिराक्युलस. कहने का मतलब है कि जो एक मिराक्युलस डाइट होगी, जो एक जादुई कोई डाइट बता दे मुझे, राइट? तो वो डाइट की बात करें हम, तो इंस्टेड ऑफ मिराकल इट शुड बी मिराक्युलस. सो इट विल मिराक्युलस डाइट, दैट इज ऑप्शन ए. मिराकलिंग इज नॉट अ वर्ड, इट्स रॉन्ग. ये वर्ड नहीं है, इट्स एन इनकरेक्ट वर्ड. सो मिराक्युलस, मिराकल. ओके, एडवर्ब बनाना है तो मिराक्युलसली बना सकते हैं, बट यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है इसलिए हम यूज कर रहे हैं मिराक्युलस. ओके, तो ये तो सिंपल था क्योंकि नाउन यहाँ पर ही था. पिछले सेंटेंस में अगर आप देखें यहाँ पर तो सब्जेक्ट बहुत पहले दिया गया था और जो वर्ड उसको क्वालिफाई करा था वो बहुत पीछे था. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ऐसा सेटअप के लिए, ऐसा क्वेश्चन. तो आप थोड़ा सा इस पर एम्फोसाइज करिए ऐसे क्वेश्चंस पर. जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन दोनों दोनों साथ हैं, तो उसको एक रीड, एक सिंगल रीड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पर ये मीनिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2018. आई एम अ सोल, अ फ्री बर्ड विच हैज़ द पावर टू फ्रीली फ्लाई. आई एम नॉट बाउंड बाय द फिजिकल लॉज टू फ्रीली फ्लाई. ओके ना, अब यहाँ पर देखिएगा जरा, टू फ्रीली फ्लाई है तो यहाँ पर वर्ब और ये एडवर्ब है तो यूसेज तो गलत नहीं है, एडवर्ब ही चाहिए वर्ब के लिए, बिल्कुल करेक्ट है. बट अगर टू दिया है तो टू के बाद पहले वर्ब आएगा और फिर एडवर्ब आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव पहले आता है ना. वो वर्ब हुआ ना, टोटल वर्ब क्या हुआ? इन्फिनेटिव अगर है तो वो टू प्लस वी वन है, तो वो पूरा फॉर्म वहां पर आएगा, तब जाके एडवर्ब आएगा, राइट? सो वो होना चाहिए टू फ्लाई फ्रीली. ओके, इंस्टेड ऑफ फ्रीली फ्लाई इट शुड बी टू फ्लाई फ्रीली, दैट्स ऑप्शन ए. तो अब आपने यहाँ देखा, यहाँ पर एडवर्ब का यूसेज सही है बट उसका सेंटेंस में जो पोजिशन है वो आगे पीछे करने की जरूरत है. अब हो सकता है यहाँ यहाँ फ्री फ्लाई या फ्लाई फ्री भी ले लें, बट वो गलत हो जाएगा, फ्री एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, बट फ्रीली एडवर्ब है तो, और उसका यूसेज यहाँ पर एकदम एप्ट है.
सो दिस इज द वे यू हैव टू गो टू डिटेक्ट द क्वेश्चंस. देखते हैं क्या हमारे पास और क्वेश्चन है. यस. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सीजीएल 2019. ओके. फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड हैव एक्सेसिंग इन. नो, एक्सेस टू. क्यों एक्सेस? यहाँ पर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं. ये ओके, दिस इज द कोलोकेशन पार्ट. एक्सेस टू, ये कॉमन एक फ्रेज है जो यूज ऐसे का ऐसा ही होता है. आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. तो ये हमारा कोलोकेशन का हिस्सा बन जाता है जो आज हमने डिस्कस किया था. सो यू रिमेम्बर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट जो हमने डिस्कस किया, या फिर अभी जो आपने जस्ट देखा एक्सेस टू. एक्सेस एट, एक्सेस इन, दिस इज इनकरेक्ट. ये गलत फ्रेजेस हैं. जो कोलोकेटिव फ्रेज या जो एक सेट फ्रेज है वो है एक्सेस टू समथिंग. ऑलराइट, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. डू वी हैव फर्दर क्वेश्चंस? नो, वी डोंट हैव. सो दिस वाज द एंटायर सेशन फॉर टुडे एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज फॉर टुडे. I will be back with another session with new concepts for you to discuss. And do not forget, this crash course highly focuses on what is there to, like, what was in store for the previous set. And जो भी commonly asked चीज़ें हैं वो ही हम आपको practice करा रहे हैं, ताकि आपका time कम waste हो और आप सिर्फ key चीज़ें जो हैं, जो key, I mean, जो key strength हैं या जो जो points हैं, जो corners हैं, जो hit करने हैं, जो पॉइंट्स हमें, जो नोट्स पकड़ने हैं, वो ही हम कैच करें. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग लर्नर्स एंड नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन टू द वीडियो. थैंक यू सो मच.